का स्टैंडर्ड, ये उनके जो आप प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं, इसी तरह आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनकी, यानी एक आइटम का नाम उन्होंने कुछ रख दिया। अब जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो उनका ट्रेडमार्क उन्होंने लिया, उसके रजिस्ट्रेशन कराई होगी, वो ट्रेडिंग उसको इससे भी अगर आपने उसको वेलफेयर किया था तो मैं आपको आसान रख देता हूँ, एक्टिव टैक्स के लिस्ट सर्च कर ले, देख लें कि उसमें कितने बिजनेस हैं। सेल्स टैक्स में सिंगल बिजनेस होता है जी, जो सब जो कह रहे हैं सेक्शन 70B की जो कंप्लाइंस है वो उनकी फ्यूचर जो उसका आईडी कार्ड है उसके ऊपर एड्रेस एड्रेस देखना है, वो लिखना है कि बाई डिफॉल्ट आते हैं या आप लिख नहीं सकते, सिटी को सर्च करेंगे वो लाहौर है, अगर है तो लाहौर, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वो लाहौर है तो वो भी उसी में लाहौर। प्रणाम।